यस, तो सबसे पहले देखिए उस दिन की क्लास में हमने ये क्वेश्चंस कर लिए थे। ओके, ये क्वेश्चंस हमारे हो गए थे कुछ। क्वेश्चन नंबर, ये जो आपके सामने दिख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 1 ये भी हो गया था। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने कंप्लीट कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट कर लिया था, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 कराया था और बताया था कि कैसे पता चलता है कि कोई दिया गया इक्वेशन सरल आवर्त गति है या नहीं है। उसको हम दो बार अवकलन करते हैं, और अवकलन करने पर यदि a प्रोपोर्शनल टू -y, मतलब कि जो त्वरण होता है वो अगर विस्थापन के समानुपाती आ जाए, इसका मतलब जो दिया गया मोशन है, जो दी गई गति है, वो सरल आवर्त गति है अगर त्वरण विस्थापन के समानुपाती आ जाता है तो। ओके, अब आगे पढ़ते हैं। आज हमारे पास जो टॉपिक है वो ये है, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 5, सवाल नंबर 5 सभी लोग करेंगे। ओके, सवाल नंबर 5। यस, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, मैं एक बार पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, एक कण सरल आवर्त गति कर रहा है, यदि माध्य स्थिति में x1 और x2 दूरियों पर वेग क्रमशः u1 और u2 है, तो सिद्ध कीजिए कि इसका आवर्त काल इतना होगा। बहुत बढ़िया सवाल है। आपको ये कहा जा रहा है कि माध्य स्थिति में x1, ये माध्य स्थिति में नहीं है, यहाँ पे माध्य स्थिति से कर लो, है ना, माध्य स्थिति से x1 और x1 दूरी में नहीं होगा, क्योंकि माध्य स्थिति में तो विस्थापन भैया 0 होता है, तो कहाँ से माध्य स्थिति में आपका वो हो जाएगा, है ना। तो ये माध्य स्थिति से दूरी है x1 और x2, और इन दूरियों पर जो बच्चों वेग है वो कितना है, वो है v1 और v2। तो आपको कहना है, बताना है कि सिद्ध करो कि इसका आवर्तकाल इतना होगा। चलो भैया, तो इसको क्यों ना सिद्ध किया जाए, आइए देखते हैं। एक बार क्वेश्चन सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन का एक बार स्क्रीनशॉट सभी लोग ले लें, ठीक है ना। आई होप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, बच्चे जुड़ते जा रहे हैं। चलिए, तो एक कण सरल आवर्त गति कर रहा है, यदि माध्य स्थिति से, कर लीजिए सबसे पहले इसको, तो भाई मैं इंक तो ले लूँ। यस, तो माध्य स्थिति से x1 और x1 दूरी पर जो वेग है वो कितना है, u1 और u2। तो आइए देखते हैं क्या कह रही है पिक्चर। पिक्चर ये है बेटा, ये मान लो ये दूरी है x बराबर 0, और x बराबर 0 से पहला विस्थापन है x1, उस पर जो सरल आवर्त गति का वेग दिया गया है, बिंदु का वेग दिया गया है, कण का वेग दिया गया है, वो कितना है, v1। और माध्य स्थिति से दूसरी दूरी, जिस दूरी का नाम है x2, तो x2 दूरी पर जो वेग है बिंदु का वो कितना है, v2। इतने डाटा आपको दिए गए हैं, इतने आंकड़े आपको दिए गए हैं, और इन आंकड़ों के आधार पे क्या है भैया, आपको निकालना है आवर्तकाल, निकालना है कि आवर्तकाल कुल मिला के आपको निकालना है। चलिए निकाला जाए। लास्ट क्लास में मैंने आपको सरल आवर्त गति करते हुए कण का वेग पढ़ाया था, तो सरल आवर्त गति करते हुए कण का कोई मुझे वेग बता दे, बड़ी प्रसन्नता होगी बच्चों। बताओ क्या था वेग बेटा, याद है? ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बिल्कुल सही बेटा, जो वेग बताया था वो बताया था वी इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये था सरल आवर्त गति करते हुए कण का वेग। पिछली क्लास में हमने देखा था सरल आवर्त गति करते हुए कण का ये वेग हुआ करता था, वी इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओमेगा क्या है, कोणीय आवृत्ति है, कोणीय वेग भी बोल सकते हो। ए क्या है, आयाम है। एक्स क्या है, विस्थापन है। आइए देखते हैं, तो दो समीकरण बनेंगे। पहला वाला समीकरण क्या बनेगा, v1, क्योंकि वेग दिया है v1, आवृत्ति क्या होगी बेटा, ओमेगा, और फॉर्मूला क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। ओके, चलिए अब देखिए, देखिए यहाँ से दूसरा फार्मूला क्या बनेगा, दूसरा फार्मूला बनेगा वेग कितना है, v2, तो v2 इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ए का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 2 बन गया। हमारी नज़र कहाँ पे है, हमारी नज़र है ओमेगा के, क्योंकि ओमेगा बाद में जो है t बना करके देगा। ओके, चलिए देखिए हमें सिद्ध क्या करना है, क्योंकि सिद्ध करने से बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ध्यान से देखो, x2 स्क्वायर x1 स्क्वायर u1 स्क्वायर u2 स्क्वायर, ये हमें सिद्ध करना है।
मतलब वेगों को घटाया जा रहा है, तो क्यों ना अपन भी वेगों को घटा दें, मगर उसके लिए पहले हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। तो चलिए स्क्वायर कर दें, और वी वन का स्क्वायर कितना हो जाएगा भैया, वी वन का स्क्वायर हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, अंडर रूट तो हट जाएगा भाई, अंडर रूट हटा दो क्योंकि स्क्वायर करोगे तो रूट तो हट जाएगा, तो ओमेगा इज स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ आएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स वन का स्क्वायर। ओके, वी टू स्क्वायर कितना आ जाएगा, वी टू स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस एक्स टू का स्क्वायर। तो ये हमारे दो वेग आ गए हैं। अब हमें क्या चाहिए है, हमें चाहिए है वी वन स्क्वायर माइनस वी टू स्क्वायर, ठीक है ना, क्योंकि जो इक्वेशन लिया है उसमें, अच्छा बेटा मैंने वी वन वी टू ले लिया मगर सवाल में यू वन यू टू लिया है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप यहाँ पे यू वन यू टू ले लीजिएगा, ठीक ना, वी वन वी टू की जगह पे क्या ले लीजिएगा, यू वन यू टू, तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन अपना काम जारी रख रहे हैं। तो वी वन का स्क्वायर माइनस वी टू का स्क्वायर निकालता हूँ मैं, तो क्या बनेगा बेटा, ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस एक्स वन का स्क्वायर और माइनस ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस एक्स टू का स्क्वायर। चलो भैया तैयारी कर लो आंसर की, ओमेगा स्क्वायर कॉमन लेते ही मेरे दिमाग में जल पड़ा है, दिमाग की बत्ती जल पड़ी है, वी वन स्क्वायर माइनस वी टू स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस एक्स वन स्क्वायर, माइनस खुलेगा तो ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर प्लस एक्स टू का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया है, ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट में क्या आएगा, एक्स टू स्क्वायर माइनस एक्स वन का स्क्वायर, ओके, और वी वन का स्क्वायर माइनस वी टू का स्क्वायर। चलिए तो हमें सबसे पहले ओमेगा पे निशाना लगाना पड़ेगा, ओमेगा को किनारे कर लो, ओमेगा को किनारे कर लिया तो यहाँ कितना बना, वी वन स्क्वायर माइनस वी टू स्क्वायर अपॉन एक्स टू स्क्वायर माइनस एक्स वन स्क्वायर बन गया, तो ओमेगा इक्वल्स टू क्या आएगा, सरंडर रूट लग जाएगा, वी वन स्क्वायर माइनस वी टू स्क्वायर अपॉन एक्स टू स्क्वायर माइनस एक्स वन का स्क्वायर। अब ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, सब लोग पढ़ के आए हो, ओमेगा इक्वल टू होता है टू पाई बाई टी, ओमेगा इज इक्वल टू टू पाई बाई टी, तो जहाँ पर ओमेगा है वहाँ पर रख दीजिए कितना, 2 पाई अपॉन टी इक्वल्स टू अंडर रूट वी वन स्क्वायर माइनस वी टू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स टू स्क्वायर माइनस एक्स वन का स्क्वायर, इसको रेसिप्रोकल कर दो तो टी अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू, रेसिप्रोकल मतलब विलोम कर दो, उल्टा कर दो, तो उल्टा कर दोगे तो ये पलट जाएगा, एक्स टू स्क्वायर ऊपर एक्स वन स्क्वायर माइनस में और नीचे वाले ऊपर, ऊपर वाले नीचे हो गए, वी वन स्क्वायर माइनस वी टू का स्क्वायर। तो अब हमें क्या चाहिए है, टाइम पीरियड, तो टी निकाल लो, टू पाई ऊपर चला जाएगा, सो फाइनल आंसर टी इज इक्वल्स टू टू पाई अंडर रूड एक्स टू स्क्वायर माइनस एक्स वन स्क्वायर अपॉन वी वन स्क्वायर माइनस वी टू का स्क्वायर। देखिए बच्चों क्या यही प्रूफ करना था, देखते हैं, यस, तो t इक्वल्स टू टू पाई एक्स टू स्क्वायर माइनस एक्स वन स्क्वायर अपॉन यू वन स्क्वायर माइनस यू टू स्क्वायर, तो ये हो गया आवर्तकाल समय, हो गया कब, जब आपको दो स्थितियों पर वेग दिया गया था, विस्थापन दिया गया था, तब आपने वहाँ पर कण का आवर्तकाल निकाल लिया है। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डन डन, ओके, ये कहाँ तक आ गया था, एक्स वन स्क्वायर तक, सेकेंड पार्ट का स्क्रीन शॉट लीजिए, चलिए ठीक ना, और ये थर्ड पार्ट है, तो ये हो गया आपका फिनिश, ठीक है ना, आगे चलते हैं, तो ये वाला भी पार्ट हमने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 5 पूरा का पूरा हमारा हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आप लोगों को करा दिया था, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आप लोगों को होमवर्क के लिए दिया था, क्वेश्चन नंबर 2 किसको नहीं बना भाई बताओ, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बोलो किसी ने ट्राई किया है और नहीं बना है तो बताइए, बन गया सबको, बन गया सर। चलिए बेहद सिंपल सवाल है ना, वाई इज इक्वल्स टू 10 साइन पाई टी में, वाई दिया है सेंटीमीटर में, टी दिया है सेकंड में, क्या कह रहा है, दोलन का आयाम निकालना है, माध्य स्थिति में वेग निकालना है, आवृत्ति का मान निकालना है। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लो वी आई एम पी,
इम्पॉर्टेंट ऐसा क्वेश्चन होता है जो 11th के साथ साथ 12th में भी परेशान करे आपको। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपको 12th में भी परेशान करेगा, इसलिए इसको मैंने इम्पॉर्टेंट कहा है। आइए करते हैं इसको। क्या दिया है बेटा? V इक्वल टू 10 साइन 100 पाई टी। चलो भाई लिख लेते हैं। हमारे पास समीकरण क्या दिया है? V नहीं होगा, वाई होगा। मैंने V पढ़ दिया, वाई होगा। तो हमारे पास जो समीकरण दिया गया है, सरल आवर्त गति का समीकरण, उसको सबसे पहले मैं नोट कर देता हूँ कि सरल आवर्त गति का समीकरण क्या है। चलिए तो सरल आवर्त गति का समीकरण बोलो भैया। क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? मेरी आवाज बिल्कुल सही है बेटा? आपका नेटवर्क कमजोर है बेटा। मेरी आवाज बिल्कुल सही है? आप कमजोर नेटवर्क एरिया पे बैठे हुए हैं, स्ट्रांग नेटवर्क एरिया पे आ जाइए। क्यों बच्चों, मेरी आवाज आ रही क्लियर? छत्रपाल नहीं आ रही, बताओ बेटा। आ रही है सर, बिल्कुल साफ आ रही है बेटा मेरी आवाज, ठीक ना? आप थोड़ा सा पावरफुल नेटवर्क पे आ जाइए। आइए देखते हैं सवाल। तो सवाल में हमें दिया गया है बेटा, क्या इक्वेशन दिया गया है? y इज इक्वल टू 10 साइन 100 पाई टी। तो ये मैंने लिखा y इज इक्वल टू 10 साइन 100 पाई टी, ये है। आइए इसकी तुलना किससे करेंगे बेटा? मैंने आपको क्या पढ़ाया है? y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। यस, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। तो आइए कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहले इसका आयाम कितना दिखाई दे रहा है? a की जगह पे कौन बैठा है? 10 बैठा है। ओमेगा की जगह पे कौन जमा बैठा है? 100 पाई। तो ओमेगा इज इक्वल टू 100 पाई। बोलो हाँ या ना बच्चों, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ओके, ये ओमेगा की जगह बैठा है। अब देखो आपको क्या निकालना है, टाइम पीरियड। तो बच्चों सब लोग जानते हो कि ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई बाई टी इक्वल टू हो गया कितना, 100 पाई, पाई से पाई हो गया कैंसिल, ठीक है ना? तो 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू 100 पाई, ये हो गया पाई से पाई कैंसिल। तो यहाँ पे क्या बचा, 2 अपॉन टी इज इक्वल टू 100 अपॉन 1। तो एक काम करो, t का मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो 100 t बराबर 2। तो t इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 100, मतलब कितने सेकेंड, 1/50 सेकेंड। ये आ गया इसका आवर्तकाल। कितना आ गया आवर्तकाल? 1/50 सेकेंड, ठीक है ना? तो आवर्तकाल निकाल लिया है। अच्छा, आवृत्ति भी निकालने को बोला गया है। आवृत्ति क्या होती है भैया? आवृत्ति का फॉर्मूला वेरी सिंपल, आवृत्ति होती है फ्रिक्वेंसी इक्वल टू 1/आवर्तकाल। ओके, यस, आवृत्ति का फॉर्मूला होता है आवृत्ति फ्रिक्वेंसी बराबर 1/आवर्तकाल। तो यहाँ पर जो आएगी, नीचे लिख देता हूँ बच्चों, ठीक है, यहाँ पे सही रहेगा लिखना। सो आवृत्ति फ्रिक्वेंसी इक्वल टू 1/आवर्तकाल। तो फ्रिक्वेंसी कितनी निकलेगी? 1/1/50। तो 50 पलटी मार के ऊपर आएगा, तो आवृत्ति क्या बन गई? 50 हर्ट्ज, ये बन गई आपकी आवृत्ति, ठीक है ना? चलो, तो क्या क्या निकालने को बोला गया था? दोलन का आयाम निकाल दिया। आयाम कितना है भैया? 10 सेंटीमीटर है। ओके, अच्छा, सेंटीमीटर कैसे पता चला? क्योंकि y यहाँ सेंटीमीटर में है, तो जब y सेंटीमीटर में है तो आयाम भी सेंटीमीटर में होगा। देन इसके बाद क्या है? ओमेगा पता चल गया हमको। ओके, अगला है माध्य स्थिति में वेग निकालना है। चलो भैया, तो वेग कल मैंने क्या पढ़ाया था? वेग मैंने पढ़ाया था v बराबर ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और सब जानते हो कि माध्य स्थिति में विस्थापन कितना होता है? 0। तो 0 पुट करोगे तो माध्य स्थिति का, याद करो, सबसे ज़्यादा वेग मैंने पढ़ाया था v इक्वल टू ए ओमेगा। तो सबसे ज़्यादा वेग बताया था माध्य स्थिति में होता है ए ओमेगा में। तो यस, तो देखिए v मैक्सिमम इक्वल टू ए कितने सेंटीमीटर है? 10 सेंटीमीटर है। ओके, ओमेगा कितना है भाई यहाँ पे? ओमेगा है 100 पाई। ओमेगा कितना है? 100 पाई, ठीक ना? यस, तो ओमेगा इज इक्वल टू 100 पाई। तो यस, अपने पास कितना आ जाएगा? देखो, 10 × 100 मतलब 1000 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। 1000 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, यस। तो देख लीजिए आंसर, 1000 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। सेंटीमीटर में इसलिए आया है क्योंकि आपका जो ए था वो सेंटीमीटर में था। अगर आप चाहते हैं इसको सेंटीमीटर को मीटर में बदलना, तो बच्चों वाला काम करेंगे,
पाई सेंटीमीटर को मीटर बदलने के लिए क्या करते हैं, हजार 100 का डिवाइड कर देते हैं, सेंटीमीटर को मीटर में जाने के लिए 100 का डिवाइड, और ये बन जाएगा 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल, मतलब आंसर आ गया कितना, 10 पाई मीटर पर सेकेंड। ये आ गया आपका कण का अधिकतम वेग, वी मैक्सिमम, कण का अधिकतम वेग आ चुका है। अब क्या निकालना है, आवृत्ति, वो तो निकाल ही चुके भैया 50 हर्ट्ज़। देखो सबका सब आ गया ना, क्लियर ना? यस सर। चलो भाई, यस सर, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव हृदय 1 मिनट में औसतन 75 बार धड़कता है, 1 मिनट में, उसकी आवृत्ति और आवर्तकाल की गणना कीजिए। भैया देखो, 1 मिनट में औसतन 75 बार धड़कता है, तो हमको आवृत्ति बताना है और आवर्तकाल बताना है, ठीक ना? चलो, तो थोड़ी सी इसमें बच्चों वाली मैथमेटिक्स लगने वाली है। क्या होने वाला है देखिए, तो मानव का जो हृदय है वो 1 मिनट में 75 बार धड़कता है, मतलब 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं बच्चों, 60 सेकंड, 60 सेकंड में कितने बार धड़कता है, 75 बार धड़कता है। तो अगर 60 सेकंड में तुम 75 बार धड़क रहे हो, तो 1 सेकंड में कितने बार धड़कोगे, 75 बटे कितना 60। ओके, तो 1 सेकंड में जितने कंपन होते हैं वही होती है फ्रिक्वेंसी, 1 सेकंड में जितने कंपन हुआ करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, आवृत्ति। तो 1 सेकंड में कितने बार कंपन कर रहा है, 675/60, 75/60, काटाकुटी कर दो, 15 से जाएगा 5 बार, 15 से जाएगा 4 बार, मतलब जो इसकी आवृत्ति कहलाएगी, इसकी आवृत्ति कितनी होगी, 5/4 हर्ट्ज़, आवृत्ति कितनी होगी, 5/4 हर्ट्ज़। अब इसको सॉल्व कर लो, 5/4 को करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना? तो हम इसको पूरा का पूरा सॉल्व किए देते हैं तो पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है ना? तो आवृत्ति बराबर है 5/4 हर्ट्ज़, तो फ्रिक्वेंसी कितनी आई है, 5/4 हर्ट्ज़। चलो डिवाइड करो, यहाँ 5 रख दो, यहाँ 4 रख दो, 4 1 जा 4, इधर आया कितना, अरे 4 आएगा भैया, क्या कर रहा हूँ, यहाँ 1 लिखना था, 4 1 जा 4, यहाँ पर कितना आएगा, 1 आएगा, डेसिमल लगाओ, पॉइंट लगाओ, 0 आ गया, 4 2 जा 8 आ गया, यहाँ 2 आ गया, यहाँ पे फिर से 0 आ जाएगा, 4 5 जा 20, सो आंसर कितना आ गया बच्चों, 1.25 हर्ट्ज़, सो फ्रिक्वेंसी इक्वल्स टू 1.25 हर्ट्ज़, ये आ गई फ्रिक्वेंसी, ठीक है ना? चेक कर लें एक बार भाई, फ्रिक्वेंसी 1.25 हर्ट्ज़, बिल्कुल सही है, 1.25 हर्ट्ज़। अब निकालना है हमें आवर्तकाल, आवर्तकाल मतलब टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड यानी आवर्तकाल इक्वल टू होता है 1/फ्रिक्वेंसी, 1/आवृत्ति, तो कितना आएगा हमारे पास, टाइम पीरियड निकालना है 1/आवृत्ति, तो फ्रिक्वेंसी कितनी थी, 5/4, तो इसका उल्टा कितना हो जाएगा, 4/5, तो 4/5, बोलो होगा कि नहीं होगा? Yes, हाँ, आवृत्ति बराबर 4/5 हो जाएगा, और 4/5 को इसको सॉल्व कर लो, कैसे सॉल्व करोगे, सरल तरीका बताता हूँ, 4 है नीचे, 5 है, 10 का मल्टीप्लाई ऊपर, 10 का मल्टीप्लाई नीचे, ऊपर बचा 4, नीचे ऊपर हो गया 40, नीचे हो गया 5, और इसको यहाँ पे लिख लो 10, 5 से कितने बार जाएगा, 8 बार, आंसर कितना आया, 8/10, 8/10 को क्या लिखोगे डेसिमल में, 0.8, और आवर्तकाल काय में नापा जाता है, सेकंड में, आंसर आ गया 0.8 सेकंड। कहो भैया, क्लियर है? यस सर, यस सर, यस। तो आंसर हो गया इसका 0.8 सेकंड। तो इस तरीके से हमारा पूरा हो गया है सरल आवर्त गति, यहाँ पर हमने एक एक क्वेश्चन इसके कर लिए हैं। अब है आपकी बारी, देखते हैं कितना सीखा आपने, ठीक है? तो इसको स्क्रीनशॉट तो ले लो, मैं बताना भूल गया, जल्दी से ले लो इसका स्क्रीनशॉट, यहाँ शुरू हुआ है, डन। बोलो भाई क्या हो गया? यस, ओके, ओके। इसके बाद ये बेटा, ये वाला पार्ट सीधे डिवाइड करने वाला है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये फाइल अभी भेज दूंगा मैं, इसके बाद भेज देता हूँ क्लास के बाद में, डन सर। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं सीधे सीधे, देखते हैं आपने कितना सीखा इस चैप्टर में।
अपने अपने मार्क्स, सही हो तो वन, गलत हो तो जीरो देते जाइएगा, है ना। और देखते हैं कि आपने कितना सीखा है इस चैप्टर में। यस, पहला सवाल है आपके सामने कि सरल आवर्त गति में क्या स्थिर रहता है, क्या स्थिर रहता है सरल आवर्त गति में, प्रत्यानयन बल, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा या आवर्तकाल। बोलो भाई, क्या गति, क्या स्थिर रहता है, क्या कांस्टेंट रहता है, इतना सरल सवाल का एग्जाम आंसर दीजिए भाई। सरल आवर्त गति में क्या स्थिर रहता है, स्थितिज ऊर्जा स्थिर रहती है। क्या बात कर रहे हो भैया, स्थितिज ऊर्जा कैसे स्थिर रह जाएगी भाई। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है यू बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर, मैंने लिखाया था आपको, और एक्स तो बदलता रहता है ना, विस्थापन तो बदलता रहता है, तो स्थितिज ऊर्जा बदलती रहती है, हैं, हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। यस, आवर्तकाल, करेक्ट आंसर क्या है, आवर्तकाल। स्थितिज ऊर्जा तो बदलती रहती है, गतिज ऊर्जा भी बदलती रहती है ना, क्लियर है। यस सर, क्लियर। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला भी बताया था, वन अपॉन टू हाफ एम, है ना, ओमेगा स्क्वायर, एम ओमेगा स्क्वायर, है ना, ब्रैकेट में हाफ एम ए एम ओमेगा स्क्वायर होता था कि एम ओमेगा होता था, जरा देखना बेटा क्या लिखाया था मैंने, हाफ एम ओमेगा वी इक्वल्स टू ए ओमेगा, तो वी स्क्वायर इक्वल, हाँ, ओमेगा स्क्वायर, ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चों याद है ये फॉर्मूला, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर है। यस सर। तस चलिए अगला सवाल करें, क्वेश्चन नंबर 7। 7 मिलीमीटर आयाम की सरल आवर्त गति करते हुए कण का अधिकतम वेग 4.4 मीटर पर सेकेंड है, कण का दोलन काल क्या होगा। ओके, वेरी सिंपल क्वेश्चन करो भाई, बताइए कण का दोलन काल क्या होगा, क्या निकालना है। दोलन काल मतलब समय, टी निकालना है, बताइए क्या होगा। 7 मिलीमीटर आयाम दिया गया है, 7 मिलीमीटर आयाम दिया गया है, मतलब आपके पास जो ए दिया है वो कितना दिया है, 7 × 10⁻³, ये दिया गया है आपको आयाम, 7 × 10⁻³ आयाम दिया हुआ है। एक कण का अधिकतम वेग 4.4 मीटर पर सेकेंड है, तो इसका जो आपको वी मैक्सिमम दिया गया है, वी मैक्सिमम कितना दिया गया है बच्चों, 4.4 मीटर पर सेकेंड। थोड़ी इंक मोटी कर ले, मज़ा नहीं आ रहा लिखने में। तो वी दिया गया है 4.4 मीटर पर सेकेंड, ये दिया गया है 4.4 मीटर पर सेकेंड। आपको बताना है कण का दोलन काल क्या होगा। बच्चों मैंने आपको पढ़ाया है मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वी मैक्सिमम इक्वल्स टू होता है ए ओमेगा, है ना। यस सर। यस, तो भैया यहाँ से ओमेगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी अपॉन ए, तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी वी अपॉन ए। चलिए सॉल्व करते हैं, यहाँ पे ओमेगा इज इक्वल्स टू वी बाई ए। ओके, तो ओमेगा इक्वल्स टू वी की वैल्यू कितनी दी गई है इस क्वेश्चन में, वी की वैल्यू दी गई है मैक्सिमम की 4.4। ए की वैल्यू कितनी दी गई है, वी अपॉन ए, ए की वैल्यू कितनी दी गई है, ए की वैल्यू दी गई है 7 मिलीमीटर, मतलब 7 × 10⁻³। चलिए ये हो गया, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है बच्चों, 2π/T, 4.4 × 7 × 10⁻³। देख बेटा 4.4 को ब्रेक कर दूंगा मैं, तो नीचे एक और 10 बनेगा, तो ये मेरे पास बन जाएगा 2π/T इज इक्वल टू, ऊपर बनेगा 44 और नीचे 7 × 10⁻², बचेगा क्योंकि 3 पावर और 10 पावर हो गए, तो -2। चलो भैया इसको पलटी मार दो, तो पलटी मारोगे तो कितना आएगा, T/2π इज इक्वल टू 7 × 10⁻², अपॉन कितना हो गया, 44। चलिए ये हो गया, अब देखते हैं T की वैल्यू निकालनी है आवर्तकाल, तो T/2π ऊपर चला गया, 7 × 10⁻², बने रहो बेटा, और यहाँ पे 22। देखिए पाई की वैल्यू दुनिया जानती है, पाई की वैल्यू होती है 22/7, तो 2π की वैल्यू 22/7, ऊपर से 7, ऊपर 10⁻², और नीचे 44। चलो फोड़ो पटाके, 7 से 7 कैंसिल,
और 2 × 22 होगा 44 और 44 से 44 भी कैंसिल, तो आंसर टाइम पीरियड बराबर 10^-2 सेकेंड होता है। 10^-2 मतलब 1/100 सेकेंड भी लिख सकते हैं, और 1/100 सेकेंड को हम 0.1/100 सेकेंड को हम क्या लिख सकते हैं, 0.01 सेकेंड भी लिख सकते हैं। तो देख लो स्वादानुसार कौन सा ऑप्शन है, 0.01 सेकेंड करेक्ट आंसर डी 4। डन, समझ में आ गया? यस सर। चलिए अगला सवाल देखिए। सरल आवर्त गति करते हुए कण का सूत्र होता है v = ω√a²-x²। यस, तो सा आंसर होगा इसका, ठीक है, इसमें भी एक नंबर मिल गया आपको। सरल आवर्त गति कर रहे कण की माध्य स्थिति पर शून्य होता है। भैया माध्य स्थिति पर क्या शून्य होता है, माध्य स्थिति पर त्वरण शून्य होता है ना, त्वरण शून्य होता है, क्योंकि त्वरण का फॉर्मूला होता है a = ω²(y), और माध्य स्थिति पर अगर y जीरो होगा तो त्वरण भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बहुत बढ़िया बात है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5। एक गतिमान कण के त्वरण a का मान समीकरण a = -bx से दिया जाता है, जहां x साम स्थिति से विस्थापन है, b नियतांक है, कण का दोलन काल क्या होगा। भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो बेटा माइक, यार माइक ऑफ कर लिया करो यार, खटर खटर हो रहा है, माइक ऑफ करके बैठो ना, जब जरूरत हो तब ओपन कर लो। हाँ, a = -bx है ना, और x जहां पे साम स्थिति से विस्थापन है, b नियतांक है, कण का दोलन काल क्या होगा। चलो सॉल्व करके बता दो, है ना, सॉल्व करके मेरे को बता दो। a = -bx है तो कण का दोलन काल क्या होगा। करा चुका हूं ऐसा क्वेश्चन मैं काफी सारे। चलिए यदि नहीं बन रहा है तो मैं आपकी मदद करता हूं। देखिए मैंने आपको क्या पढ़ाया है, मैंने आपको पढ़ाया है सरल आवर्त गति की जो शर्त होती है, सरल आवर्त गति की शर्त होती है वो होती है acceleration = −ω²(x), ये होती है। और यहाँ पे जो शर्त दी गई है a = -b × x, तो x और x तो दोनों सेम है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। माइनस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है, माइनस बी के इक्वल है, तो यहीं से ये बनेगा क्वेश्चन। माइनस का ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू माइनस का बी, माइनस से माइनस क्या हो गया है, कैंसिल। ओके, माइनस का स्क्वायर इक्वल टू माइनस का बी, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया है, ω = हो गया है √b, ω = √b। आप लोग जानते हैं कि ω = होता है 2π/T। एक बार चेक कर लूँ क्वेश्चन में, माइनस का bx, बिल्कुल सही है। तो ω = होता है 2π/T = दिया गया है √b, ठीक है। तो T/2π पलटी मार दिया तो ये बन गया कितना, 1/√b, सो T = 2π/√b, ये आएगा। टाइम पीरियड देखते हैं ऑप्शन में है कि नहीं है, T = 2π/√b, बी इज द करेक्ट ऑप्शन पांचवे का बा। समझ में आया बच्चों? Yes, sir. स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका। इस तरीके के क्वेश्चन देखिए आपके कंपटीशन एग्जामों में भी बिल्कुल यही आते हैं। एनडीए में तो बिल्कुल लेवल एकदम बहुत बेसिक रहता है, इसी टाइप के सवाल आते हैं, लगाते जाइए 2π/√b। चलिए ठीक है, अगला सवाल मैंने करवाया था आपको सरल आवर्त गति करते हुए कण का विस्थापन, भैया रटवा दिया था, T = होता है √ ओके क्या होता था, विस्थापन बटे त्वरण x/a, बिल्कुल सही। तो आंसर होगा इसका 6th का a, विस्थापन बटे त्वरण। चलिए भैया अगला, किसी सरल आवर्त गति का आयाम a है, ठीक है भाई, अच्छी बात है, आवर्त काल t है, अधिकतम तात्कालिक वेग होगा, आहा बड़ा मेहनत कर दी इन लोगों ने, v = aω, और a क्योंकि टाइम पीरियड के टर्म में है बातें, तो 2π/T। चेक कर लो भैया आंसर कौन सा है, a × 2π/T यानी 2πa/T, सी ऑप्शन पे ताला लगाएं, क्वेश्चन नंबर 7 का c। बोलो आ गया समझ में? यस सर। चलिए यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सरल आवर्त गति करते हुए कण की अधिकतम विस्थापन की स्थिति में त्वरण होता है। अरे भैया जिस समय अधिकतम विस्थापन होगा
तो ओमेगा एक्स की वैल्यू क्या होगी, अधिकतम विस्थापन मतलब आप पहुंच गए हैं आयाम पर एक्स बराबर प्लस माइनस ए, और आपको बताया गया है कि त्वरण का फॉर्मूला होता है त्वरण इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो x की अधिकतम वैल्यू पे त्वरण भी क्या होगा, अधिकतम। तो आंसर क्या होगा इसका भाई, आंसर ए है, एट्थ का आ, ठीक है ना, क्योंकि विस्थापन अधिकतम होगा तो त्वरण भी अधिकतम होगा, और वैसे भी आपको पढ़ा रखा है मैंने कि विस्थापन प्रोपोर्शनल टू सॉरी त्वरण प्रोपोर्शनल टू विस्थापन, सरल आवर्त गति की शर्त ही यही होती है, नोट कर लीजिए। आ गया समझ में? यस सर। चलिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, आइए तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कर दी जाए। समीकरण a बराबर माइनस के एक्स में a त्वरण को शो करता है, देख लो पहले ही बोल दिया कैपिटल a त्वरण है, x विस्थापन है, k बल नियतांक है। यह समीकरण कौन सी गति को रिप्रेजेंट करता है, कौन सी गति है भैया ये, कौन सी गति? सरल आवर्त। बिल्कुल सही, सरल यहाँ पर आंसर लिखेंगे सरल आवर्त गति, तो इसका आंसर आएगा कौन सी, सरल यानी सिंपल, आवर्त मतलब हार्मोनिक मोशन, तो ये सरल आवर्त गति है। क्वेश्चन नंबर टू, सरल आवर्त गति करते हुए कण का अधिकतम विस्थापन की स्थिति में त्वरण कितना होता है? भैया जिस समय अधिकतम विस्थापन होगा उस समय त्वरण भी क्या होता है, अधिकतम होता है, क्योंकि अभी अभी बताया, तो ये भी क्या होगा, अधिकतम होगा। चलिए, पृथ्वी के व्यास के अनुदिश बनाई गई सुरंग में छोड़े गए पत्थर की गति क्या होती है? मतलब ये मान लो कि पृथ्वी का एक व्यास है, ये पृथ्वी है, और यहाँ से तुमने एक गड्ढा खोद दिया है और यहाँ पर तुमने एक पत्थर डाल दिया, तो जैसे जैसे तुम पत्थर इधर की ओर जाएगा तो इसका जो त्वरण होगा, विस्थापन का त्वरण देखो कम होता जाएगा, क्योंकि जी का मान नीचे जाने पर कम होता है, और नीचे विस्थापन भी क्या हो रहा है, केंद्र से कम होता जा रहा है। तो a प्रोपोर्शनल टू विस्थापन का फॉर्मूला लग रहा है, मतलब कौन सी गति होगी, सरल आवर्त गति, तो यहाँ पे भी लिख लीजिए सरल आवर्त गति। चलिए अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की गति कैसी गति है, बताओ भैया पृथ्वी की गति कैसी गति है, बोलो पृथ्वी की गति क्या सरल आवर्त गति है? नहीं, हाँ पृथ्वी की गति वृत्तीय गति है, और वृत्तीय गति है मगर कैसी है, पृथ्वी 365 दिन में काम पूरा कर लेती है अपना, तो आंसर लिखो आवर्ती गति। तो पृथ्वी की गति आवर्ती तो है मगर सरल आवर्त गति नहीं है। अगला, सरल आवर्त गति में त्वरण व विस्थापन में संबंध भैया कितने बार बताऊं, त्वरण बराबर होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो ये है त्वरण और विस्थापन में संबंध। डन? यस सर। बहुत बढ़िया। चलिए सत्य असत्य, अब आपको बताना है क्या सत्य है क्या असत्य है। पहला, आवर्ती गति में वस्तु का पथ हमेशा सरल रेखीय होता है, बताओ सत्य की असत्य? असत्य। असत्य है भैया, धरती आवर्ती गति कर रही है, अब उसका पथ सरल रेखीय थोड़ा ना है, है ना, तो ये क्या है, असत्य है। अगला, सरल आवर्त गति में त्वरण विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है परंतु दिशा में विपरीत होता है, सत्य। सत्य, यही तो बात करी है मैंने कि a प्रोपोर्शनल टू माइनस का y, माइनस साइन किसको बताता है, दिशा को। चलिए अगला, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति सरल आवर्त गति होती है, आवर्ती गति, आवर्ती गति होती है, बिल्कुल सही बात है। असत्य है भैया, चंद्रमा डिंग डोंग नहीं करता है। सरल आवर्त गति करते हुए कण का विस्थापन y बराबर a साइन ओमेगा t नहीं है, असत्य। असत्य, क्योंकि यही तो सत्य है भैया, यही तो होता है, तो ये भी क्या हो गया, असत्य हो गया, ठीक है ना। लास्ट, हाँ हो गया भाई, पूरा हो गया, चारों हो गए। चलिए ठीक है, अगला सवाल, जोड़ी मिलाइए। चलो भाई जोड़ी मिलाओ। ओके, ऊपर भी है क्या, एक पॉइंट, चलो एक पॉइंट और है, फिर भी कोशिश करते हैं। हाँ भैया, आवर्त काल काय में नापा जाएगा, बोलो, सेकेंड। तो यस बिल्कुल सही है भैया, फर्स्ट का जो बनेगा आपका बनेगा बी, है ना, आवर्त काल जो होगा सेकेंड में नापा जाएगा। हाँ, सरल आवर्त गति में अधिकतम वेग बोलो क्या होगा, ए ओमेगा। ए ओमेगा, बिल्कुल सही, ए ओमेगा। सरल आवर्त गति में अधिकतम त्वरण क्या होगा बेटा, माइनस ओमेगा वाई। माइनस ओमेगा वाई क्यों होगा बेटा, अधिकतम है ना, अधिकतम है त्वरण, तो ए
पर होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, और जिस समय अधिकतम होगा तो वाई क्या होगा, आयाम बन जाएगा, तो क्या बनेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। हाँ या ना? चलो त्वरण की वैल्यू क्या होगी, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, त्वरण की वैल्यू क्या होगी, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। क्लियर है? ओके एंड ठीक है यस। और संपीड़न और विरलन, ये तरंग का क्वेश्चन है बच्चों, अभी तरंग मैंने आपको पढ़ाई नहीं है, तो जो तरंग संपीड़न और विरलन के रूप में आगे बढ़ती है उसको हम क्या बोलते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग। लिख लो, जो तरंग संपीड़न और विरलन के रूप में आगे बढ़ती है उसको हम क्या बोलते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग। जैसे आप मुंह से आवाज निकालते हो, ये मुंह से आपकी आवाज निकली, तो जहां पे आवाज निकलेगी पहले होगा संपीड़न, फिर होगा विरलन, फिर ये वाला का आगे चला जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा संपीड़न, आगे बन जाएगा विरलन। तो संपीड़न और विरलन के रूप में बढ़ने वाली तरंगों को हम बोलते हैं अनुदैर्ध्य तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग। चलो ठीक है भैया, लिख लिए, लिख लिए, समझ में आ गया? यस सर। चलिए अगला सवाल, एक शब्द में उत्तर दीजिए, सरल आवर्त गति में क्या संरक्षित रहता है? आवर्तकाल भी संरक्षित रहता है और कुल ऊर्जा भी संरक्षित रहती है, कुल ऊर्जा। ओके, कुल ऊर्जा मैंने पढ़ाई थी कितनी होती है, हाफ एम ओमेगा ए स्क्वायर, ठीक ना, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये होती है कुल ऊर्जा। यस, पहला वाला। दूसरा, सरल आवर्त गति में किसी कण के त्वरण और उसके विस्थापन के बीच में क्या संबंध होता है? अब भैया क्या बताया जाए, बिल्कुल ए प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई, ये संबंध होता है ना बेटा? यस सर। तीसरा सवाल, सरल आवर्त गति करते हुए कण का अधिकतम वेग कब होता है? माध्यावस्था में। कहां पर? माध्यावस्था। और वो कितना होता है, वी बराबर ए ओमेगा, माध्यावस्था में वेग अधिकतम होता है, ठीक है ना। चलिए, सरल लोलक को खान में ले जाने पर उसके आवर्तकाल में क्या प्रभाव पड़ेगा? खान मतलब जमीन के नीचे। ओके, जमीन के नीचे ले जाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा? भैया देखो, सरल लोलक आवर्तकाल मैंने आप लोग को कल लिखाया है, क्या लिखाया है, टी इज इक्वल टू टू पाई अंडर रूट एल बाई जी, है ना। जमीन के नीचे जाने पर ग्रेविटी क्या होती है, कम होती है कि ज्यादा होती है? कम। तो ये वाली चीज घटेगी, तो ये वाली चीज क्या होगी, बढ़ेगी, मतलब आवर्तकाल बढ़ जाएगा। तो लिख लो, आवर्तकाल बढ़ जाएगा। समझ में आया? यस सर। चलिए लास्ट, सेकेंडरी लोलक किसे कहते हैं? ऐसा लोलक जिसका आवर्तकाल 2 सेकेंड होता है, उस लोलक को हम सेकेंडरी लोलक कहते हैं। नोट कर लीजिए, चैप्टर हो गया पूरा ख़त्म, एक एक एक्सरसाइज करा दी, सब कुछ करा दिया है ना। और अब आप जो है इसको लिख करके मुझे फ़ोटो खींच करके ग्रुप में भेजें कि हाँ सर हमने पूरा लिख लिया है चैप्टर, तो मैं समझूंगा मेरे पढ़ाने का कोई मतलब निकला, अदरवाइज़ क्या मतलब। चलो ठीक है बच्चों, चैप्टर हो गया ना कंप्लीट, तो कल से स्टार्ट करेंगे अपन अपना अगला चैप्टर जिसका नाम है तरंग गति, ठीक है ना। तो आज अच्छे से इसको कर लीजिए, मन लगा के, दिल लगा करके, जी जान लगा के, पूरा का पूरा सरल आवर्त गति कर लो, और कल से हम करेंगे अगला सवाल जिसका है तरंग गति। और अभी एक सवाल तो हमको अभी ही बन जाएगा, जो मैंने आपको नॉलेज दे दिया अभी अभी, जो मैंने आपको नॉलेज दे दिया कि वायु में उत्पन्न ध्वनि तरंग क्या है। तो अभी मैंने बोला था जब आप बोलते हैं तो बोलना मतलब क्या हुआ, ध्वनि, तो ध्वनि तरंग कौन सी होती है, अनुदैर्ध्य, कौन सी होती है, अनुदैर्ध्य होती है ना। तो वायु में उत्पन्न जो ध्वनि तरंग है वो अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है। चलिए बच्चों ठीक है, आज के लिए इतना ही, अब कल मिलते हैं, धन्यवाद। गुड डे सर। गुड डे बच्चों।